के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम लोग जब पुरानी कहानियां सुनते हैं तो बताया जाता है कि राम राज्य साहब ऐसा था कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, मतलब जो बहुत ताकतवर है और जो बहुत निरीह है वो दोनों भी साथ में रहते थे। इन दोनों सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, मेरे पिताजी ने भी मेरे पास भेजी। उन तस्वीरों के साथ एक कहानी है, देखिए तस्वीरों में क्या है, एक पैंथर और एक पैंथर नहीं लेपर्ड है, हाँ जरी जी लेपर्ड और गाय, और दोनों पुचकार रहे हैं, खेल रहे हैं, और उसके साथ मैसेज। क्या वायरल हो रहा है मैसेज इन तस्वीरों के साथ? अंग्रेजी का मैसेज है, हिंदी में बता देते हैं। ये असम में कहीं पर हुआ है, एक आदमी ने इस गाय को खरीदकर गौशाला में रख दिया। रात में कुत्ते भौंकते थे तो लोगों को लगता था कि चोर लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं। गांव वालों ने सीसीटीवी लगवाया और फिर जो देखा उसने सबको चकित कर दिया। वो लोग उस आदमी के पास पहुंचे जिससे उन्होंने गाय खरीदी थी। पता चला कि ये चीता जब 20 दिनों का था तभी इसकी माँ की मौत हो गई थी। वो लोग चीते का बच्चा लेकर आए और इस गाय ने उसे अपना दूध पिलाया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो लोग उसे जंगल में छोड़ आए, लेकिन चीता अपने रक्षक को नहीं भूला। वो रोजाना रात में अपनी माँ से मिलने आता जिसने उसकी जान बचाई। ये तीन तस्वीर है, ये देखिए अंग्रेजी में उसका वही लिखा है। ये तस्वीरें फेसबुक पर भी वायरल हो रही हैं। फिर हमने इनकी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये तस्वीरें लॉकडाउन या कोरोना से जुड़ी नहीं है, 2 दशक पुरानी है। कीवर्ड्स की मदद से सर्च किया तो हमें onforest.com की 6 अप्रैल 2014 को पब्लिश एक रिपोर्ट मिली। इसका टाइटल क्या है, स्ट्रेंजर देन फिक्शन, अ लेपर्ड एंड अ मदरली काउ, कल्पना से परे किस्सा, एक तेंदुआ और मां सदृश गाय। ये देखिए तस्वीर भी बनी है ऐसे और वो कहानी लिखी है। इस रिपोर्ट को पढ़ने पे पता चला कि ये कहानी जून 2002 की है। गुजरात के वडोदरा में एक गांव है अंतोली, जम्बू घोड़ा अभ्यारण्य से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर। अंतोली गांव के लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसरों तक शिकायत पहुंचाई कि तेंदुए के एक मादा बच्चे को गांव में देखा गया है। पहले तो अधिकारियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चर्चा तेज हुई तो तेंदुए को पकड़ने के लिए एक टीम भेजी गई। सितंबर 2002 में तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। एक महीने बाद फिर शिकायत आने लगी। जब टीम दोबारा गांव पहुंची तो तेंदुए और गाय की दोस्ती देखकर दंग रह गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, पिंजरे में मांस के टुकड़े रखे गए, लेकिन मादा तेंदुआ गाय से मिलती और वापस चली जाती। तब वन अधिकारियों ने बेहोश करने वाली गोली के इस्तेमाल से तेंदुए को पकड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही तेंदुए ने गांव में आना छोड़ दिया। तेंदुए और गाय की दोस्ती की कोई ठोस वजह कभी मालूम नहीं हुई। जानकारों ने इस अनोखे रिश्ते पर कई कयास लगाए। एक कयास ये भी था कि तेंदुए को जंगल में अकेलापन लगता था, इसलिए वो रात में समय बिताने गाय के पास आ जाती थी। ये देखिए ये तस्वीर और ये पूरी रिपोर्ट 2002 के। इसी तस्वीर को असम की बताकर वायरल किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में वडोदरा के पर्यावरणविद मनोज ठाकेर का जिक्र आया। वो पहले फोटोग्राफर थे जिन्होंने तेंदुए और गाय की अनोखी दोस्ती को अपने कैमरे में कैद किया। हमने कीवर्ड्स की मदद से सर्च किया तो मैमल्स इन गुजरात नाम की किताब का पता मिला। ये किताब भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर H.S. सिंह ने लिखी है। इसके पेज नंबर 84 पर लव स्टोरी ऑफ लेपर्ड एंड काउ टाइटल से रिपोर्ट मिली। इसमें भी वही तस्वीर दिखी जो अभी अलग दावे के साथ वायरल हो रही है। देखिए लव स्टोरी ऑफ अ लेपर्ड एंड काउ, इसमें भी लिखा है कि वडोदरा सर्कल की बात है, जून 2002 की लेपर्ड साइटिंग रिपोर्ट हो रही थी अंतोली से, जो मैंने आपको बताया जम्बू घोड़ा सेंचुरी से 20 किलोमीटर दूर ये गांव। रोजाना रात में 9:30 पे आ जाती है मादा बाघ और सुबह 4:30 बजे चली जाती है। ये देखिए दोनों बैठते एक दूसरे को चाटते पुचकारते रहते हैं। ये देखिए और सर्च किया तो एक YouTube वीडियो मिला, जी न्यूज की एक रिपोर्ट, वीडियो रिपोर्ट बायकुट नाम के YouTube चैनल ने 26 सितंबर 2008 को अपलोड की। यूनुस सईद की इस रिपोर्ट में आपको गाय और तेंदुए के मिलने का वीडियो नजर आएगा। जरूरी हिस्सा 1:58 के मार्क से शुरू होता है। 25 अक्टूबर 2002 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, उसमें भी इस घटना की पुष्टि की गई, द लव स्टोरी ऑफ अ लेपर्ड एंड अ काउ। ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट, अक्टूबर 25, 2002। तो हमारी पड़ताल में क्या स्पष्ट हुआ, ये तस्वीरें असम की नहीं गुजरात के वडोदरा जिले के अंतोली गांव की हैं। जिसे चीता बताकर प्रचारित किया जा रहा है वो असल में मादा तेंदुआ थी, चीता भारत में होता भी नहीं है। ये घटना 2002 के साल की है, इसका कोरोना लॉकडाउन से कोई संबंध नहीं है। जहां तक इमोशनल कहानी का जिक्र है, किसी भी प्रामाणिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। जानकारों ने कयास लगाया कि अकेलेपन को मात देने के लिए मादा तेंदुआ जंगल छोड़कर गांव में आती थी।
पर अद्भुत तो है, मतलब फूड चेन में जैसे एक को भक्षक माना जाता है वो, और जो दूसरा डोसाइल प्राणी है वो दोनों साथ बैठे हैं। तो मार्मिक कहानी तो है, लेकिन मार्मिक कहानी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कल्पना के घोड़ों को कुछ सत्य और कुछ मिथ्या के साथ मिलाकर वायरल करने लगे। आपके पास भी कोई मैसेज आता है जिसकी सत्यता संदिग्ध लगती है तो भेजिए हमें पड़ताल के लिए। हमारा पता है पड़ताल mail@gmail.com। शुक्रिया।